गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यात्री इन्फो में। 4 दिन काठमांडू में स्टे करने के बाद आज निकल रहा हूँ पोखरा के लिए। और ये मेरा रूम था काठमांडू में, तो सब रेडी हो चुका है। तो ये जो होटल प्लेजर, और यहाँ पे इंडियन कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू जी। राम राम। ओके ठीक है। ओके थैंक यू जी, बड़ा अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। ओके थैंक यू सो मच। तो अच्छा है होटल, ऑलमोस्ट सब सही है। तो यहाँ से बता रहे हैं कि कलंकी रोड चले जाओ या फिर एक गोनो गो बस स्टैंड है वहाँ चले जाओ। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि टैक्सी वगैरह वैसे आप नॉर्मल कर सकते हो, बाहर बहुत सारी टैक्सी है तमिल मार्केट में। बट बेटर पता क्या है, ये है यार, ये इन ड्राइव ऐप है, तो ये यूज़ करो, ये बेटर है। ये गोनो बस स्टैंड पार्किंग, ये आ रहे हैं 91 NPR, नेपाली रुपीज़ आ रहा है अगर बाइक से, और राइड करता हूँ तो आ रहा है 309 रुपये। 305 में एक्सेप्ट हो गई है ना, ऑल्टो दोनों ऑल्टो है, ये कर देता हूँ। 305 में इन ड्राइव से मैंने ऐप बुक की है। यहाँ जो मेन बस स्टैंड ना, गोनागबू बस स्टैंड है, कोई मेन बस स्टैंड है वो यहाँ का। वैसे यहाँ का जो नियरेस्ट बस स्टैंड है वो रतना न्यू पार्क है। तो इन ड्राइव ऐप चलती है, बेस्ट पार्ट है, बिकॉज जो नॉर्मल जो टैक्सी वाले होते हैं ना वो बहुत पैसे मांगते हैं। ये है जी कैब अपनी, हिंदी में लिखा होता है, पता ही चलता क्या नंबर है गाड़ी का। पीछे रख दूँ, आगे रखो, हाँ एक ही बैग आकर आगे रख लो। ये जी इन ड्राइव से कैब बुक कर ली है, तो कैब में बैठ गया हूँ, ये बेस्ट है इन ड्राइव यहाँ पे ना। तो यहाँ से चलते हैं बस स्टैंड, गोंगापुर बस स्टैंड, और वहाँ से फिर लेंगे पोखरा के लिए बस। लो जी, अभी मैं पहुँचा था ये गंगूबाऊ बस स्टैंड, आई थिंक उधर बस स्टैंड है। बट मेरे को ना होटल वाले ने और टैक्सी वाले ने सुजेस्ट किया है कि आप बस को अवॉइड करो, बिकॉज़ यहाँ से ना 5 या 5.5 घंटे का, 6 घंटे का, आई थिंक 6.25 घंटे का ट्रैवल है काठमांडू से पोखरा। तो ये ऐसे ना छोटे छोटे माइक्रो होते हैं ना, ये वाले, ये जो खड़ा इधर माइक्रो, ऐसे इसको टैक्सी बोलती है, शेयरिंग टैक्सी है, यहाँ पर माइक्रो बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये बेस्ट है, ये फास्ट जाएगा। तो यहाँ पर इनका एक काउंटर था, यहाँ पे 765 है, 765 ये सरकारी रेट है। अच्छा सरकारी रेट है, 765 रुपीज़, मतलब नेपाली रुपीज़ में लेंगे, और उसके बाद फिर पोखरा पहुँचा देंगे लगभग 4:30-5 बजे। तो चलो देखते हैं, फिर मिलते हैं पोखरा, चलते हैं। और कितने बजे आएगी ये? अभी टाइम कितना हुआ है? 11 बज गई है। चलो ठीक है, ये दे दो टिकट, दे दो आपका सामान, ये है टिकट। यहाँ आसपास कहीं बस स्टैंड भी है, बस स्टैंड में गया ही नहीं, बिकॉज बस स्टैंड में फिर बस जो है वो काफ़ी लेट पहुँचाएगी। ऊपर रखोगे लगेज? वो बांध बूंद देना, गिरे गुरे मत, है ना। ये है जी माइक्रो, यहाँ की जो शेयरिंग टैक्सी होती है, देखिए ये शेयरिंग टैक्सी है, यहाँ पे माइक्रो बोलते हैं इसको। सीटिंग अरेंजमेंट ड्राइवर के साथ ही बैठ सकते हैं, 3 सीटें दे रहा, बाकी मिनी बस जैसा ही है। तो मैं इसके रिव्यू भी दूंगा बाद में भी कैसा रहा मेरा ट्रैवल, बिकॉज बस बता रही हैं कि यहाँ जो टूरिस्ट बस होती है सुबह अर्ली मॉर्निंग की सारी निकल जाती हैं, उसके बाद जितनी बसेज हैं वो सारी लोकल बस है, तो काफ़ी रुक रुक के जाएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहता है इसमें ट्रैवल, तो उसके बाद फिर आपको मैं रिव्यू जरूर शेयर करूँगा। जस्ट 5 मिनट का स्टॉप है, तो यार मेरे को तो जैसे ये सही लगा, बेस्ट ऑप्शन है। वैसे एक ऑप्शन फ़्लाइट का भी है, तो फ़्लाइट 2500 रुपीज़ की है वैसे काठमांडू से पोखरा, एज़ पर अवेलेबिलिटी थी। तो मैंने एडवांस में बुकिंग की नहीं, तो भी फिर ऑन द स्पॉट अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो बस एक दो ही रस्ते हैं, जहाँ फ़्लाइट है पोखरा जाने के लिए, या फिर बस है, या फिर ये छोटे छोटे माइक्रो है। अभी एक स्टॉप के बाद बैक टू बैक स्टॉप है यार इस माइक्रो का, अभी रुकी थी थोड़ी देर पहले, फिर से रुक गई है। और यार ये देखो यार, ये स्टिंग हमारे वहाँ पे मिलती है 20 की,
यहाँ पे मिल रही है 60 में स्टिंक। वो भी जब स्टॉप हुआ था तो मेरी सीट पे कोई और बैठ गया, तो मैं यहाँ पे पीछे बैठ गया। भाई यहाँ चेकिंग चल रही थी। आपको खाई रे? हाँ आपको खाई रे भी खाई रे, पता नहीं क्या नाम है। यहाँ पे चेकिंग चल रही थी। सुनो भाई, हिंदी खाना चल रहा है बादशाह। विंडो सीट अब जाके मिली है तो व्यू मैं दिखा नहीं पाया, बाकी काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू आ रहे थे रास्ते में। बस ये कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रही है ना रोड की, उस वजह से मिट्टी मुट्टी काफ़ी उठ रही है, बाकी तो सब सही है। अब यहाँ से रह गया 1.5 घंटा और पोखरा। फाइनली पोखरा पहुंच गए हैं, थैंक गॉड। बहुत टाइम लग गया यार, 7 PM हो गया और पोखरा पहुंचे हैं। प्रॉपर्टी अच्छी है जो हॉस्टल की, हॉस्टल है यहाँ, प्राइवेट रूम्स भी अवेलेबल हैं। बाकी डे में मैं भी थोड़ी पिक्चर क्लियर आए तब दिखाऊंगा। इट्स गुड। गोप्रो यार रात में इतना काम नहीं करता। बॉनफायर भी है यहाँ पे। हेलो नमस्ते जी, कैसे हो? मेन्यू, दिस इज द मेन्यू। और मेरे साथ जो आए थे सेम काठमांडू में, तो उनके साथ ही मैंने शेयरिंग की है रूम की। सैल्यूट। यस, नाइस टू मीट यू। या थैंक यू, माय प्लेजर।